सो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 ऑफ एक्सरसाइज 5.2. ओके, दिस एक्सरसाइज इज वेरी इजी इफ यू नो ऑल दी फॉर्मूलाज. आपने देखा होगा हम जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसके अंदर हम सेम फॉर्मूला जो है वो हर क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लगा रहे हैं. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 9th इज हियर. इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ द एपी आर 4 एंड माइनस 8. ओके, थर्ड टर्म A3 इज इक्वल्स टू माइनस 8, दैट इज गिवन टू यू. एंड A9th टर्म इज माइनस 8, दैट इज गिवन टू यू. ठीक है, आपको दोनों ही टर्म्स जो हैं वो गिवन हैं. ओके, आफ्टर दैट विच टर्म इज 0. ठीक है, लेट An इज 0. हमने मान लिया जो An टर्म है वो आपकी क्या है, 0 है. अब बात क्या है विच टर्म. मैंने आपको बोला था जब भी आपसे ये चीज पूछी जाए तो इसका मीनिंग क्या है, आपको क्या निकालना है, n निकालना है. ओके, और n निकालने के लिए आपको पता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ओके, सो आपको जो जो गिवन है उसका यूज करते हैं. A3 ए प्लस 2d, यू कैन, अब आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 3 है तो यहां पे ऑब्वियसली 2 आएगा. सो माइनस 8 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2d फर्स्ट इक्वेशन, एंड A9 इज इक्वल्स टू ए प्लस 8d. माइनस 8 इज इक्वल्स टू ए प्लस 8d, दिस वन इज योर सेकेंड इक्वेशन. ओके, नाउ सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. ठीक है, आपको दोनों माइनस 8 गिवन है, नहीं फर्स्ट थिंग ये आपको 4 गिवन है, ये आपको 4 गिवन है, सॉरी दिस वन इज 4. ओके, हाँ, नाउ सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस 8 इज इक्वल टू ए प्लस 8d एंड 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2d. प्लस माइनस, प्लस बिकम्स माइनस एंड प्लस बिकम्स माइनस, ये हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल्स टू 6d एंड माइनस 2 इज इक्वल्स टू d. ओके, नाउ पुट इन दिस फॉर्मूला. ए एन हमने माना था 0, यहां लिख दीजिए ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. पहले ए भी निकाल लेते हैं, अब आपका ए कितना आ जाएगा, यहां पुट कर दीजिए 4 इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 2d, 6 इज इक्वल्स टू 2, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2 इंटू माइनस 2. ओके, देन 4 माइनस 2 को जब आप 2 से करेंगे इट विल बी माइनस 4, इधर आके प्लस 4 इज इक्वल्स टू ए एंड 8 इज इक्वल्स टू ए, आपकी ए की वैल्यू जो है वो 8 आएगी. ओके, नाउ पुट इट हियर, ए एन इज 0, ए इज 8 प्लस एन माइनस 1, ये वैल्यू आपको नहीं पता है, माइनस 2. ओके, आफ्टर दैट आपके पास ये जो वैल्यू है दैट इज 0 इज इक्वल टू 8 प्लस, ये हो जाएगा माइनस 2n एंड माइनस माइनस इज प्लस 2. ओके, इट विल बी 10, व्हेन वी शिफ्ट इट वी गेट माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 2n एंड n इज इक्वल टू 5. एन आपका कितना आ जाएगा, 5. बहुत इजी कैलकुलेशन है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं. ठीक है, तो उसने पूछा था विच टर्म ऑफ एपी इज 0, तो आप यहां लिखेंगे हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0. राइट, इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है. आफ्टर दैट लेट अस कंसीडर योर क्वेश्चन नंबर 10th. क्वेश्चन नंबर 10th की हम बात करते हैं. इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, अगर 17th टर्म 10th टर्म से 7 एक्सीड करे, 7 एक्सीड का मीनिंग क्या है कि जो भी आपकी 10th टर्म है उसमें आपको 7 ऐड करना है, एंड हेंस फाइंड द कॉमन डिफरेंस. ठीक है, तो अब देखते हैं कि आपको गिवन क्या क्या है और किस किस चीज का हम यूज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल A10 इज A प्लस 9d एंड A17 इज A प्लस 16d. ओके,
नाउ जो आपका ए 17 है उसने ये कहा है ए 10 से 7 एक्सीड कर रहा है, तो इसीलिए मैंने ए 10 में 7 को ऐड कर दिया। ये बात आप क्लियर होगी, एक्सीड एक्सीड का मीनिंग क्या है, ए 10 में मैंने 7 को ऐड कर दिया है, राइट। सो ए 17 की वैल्यू ए प्लस 16 डी, हेयर इज ए प्लस 9 डी एंड प्लस 7। ओके, नाउ इस ए से ये ए कैंसल और वी कैन से इसको शिफ्ट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। आफ्टर दैट 16d माइनस 9d इज इक्व टू 7, 7d इज इक्व टू 7 एंड d इज इक्व टू 7/7 विच इज इक्व टू 1, राइट। तो आप यहां पे लिख दीजिए हेंस कॉमन डिफरेंस, कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 1, और यही आपको फाइंड आउट करना था। After that, let us consider the question number 11th. Question number 11th की बात करते हैं। Which term of the AP will be more than its 54? Sorry, it will be how much? I think it is 132. Which term of the AP 132 more than? ये 132 है यहाँ पे, more than its 54th term. ये आपको given है, ठीक है? सो आपसे पूछा गया है विच टर्म, ऑब्वियसली उसी तरीके से हमें एन निकालना है, यानी nth टर्म हमें निकालनी है। ओके, सो सॉल्यूशन गिवन एपी आपके पास क्या है, गिवन एपी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। यहां से ए आ गया 3, डी हो गया आपका 15 - 3 विच इज इक्व टू 12। ओके, नाउ 54th टर्म हमें निकालनी है बिकॉज उसी से ज्यादा 132 की बात की गई है, तो पहले ए 54 आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो ए 54, ए प्लस 53 डी, ए कितना है 3, 53 और डी आया है आपका 12, इट विल बी 3 + 12, ये हो जाएगा आपका 12 3 और ये 336, टोटल विल बी 339। ओके, ये आ गई आपकी ए 54 टर्म्स। नाउ विच टर्म, लेट ए एन टर्म विल बी 132 मोर देन 54, ए 54 हमने ये मान लिया, सो ए एन इज इक्वल टू 132 प्लस ए 54। ओके, अब जो ए एन है उसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 132 प्लस ए 54 639। ओके, आफ्टर एडिंग दीज बट वी गेट, इन्हें ऐड कर दीजिए, ये आपके पास कितना हो जाएगा 177। ओके, ए कितना है आपके पास 3, एन आपको निकालना है और डी कितना है 12, 3 + 12n - 12 इज इक्व टू 771। ओके, आफ्टर दैट ये आपके पास कितना हो जाएगा -9 + 12n इज इक्व टू 771 एंड 12n इज इक्व टू 780, n इज इक्व टू 780/12। इसको इससे कैंसिल कीजिए, ये कितना हो जाएगा, दिस वन इज 65, ठीक है? तो 65th टर्म आपके पास वो है जो 132 क्या है, ग्रेटर है किससे, 54th टर्म से, राइट। तो आप यहां लिख दीजिए हेंस 65th टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। हो सकता है कई बार स्टेटमेंट चेंज आ जाए तो भी यहाँ पे कुछ हो सकता है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है? आफ्टर दैट लेट अस टॉक अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी डी सेम है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। लेट द टू एपी, सबसे पहले हम दो एपी मान लेते हैं, ठीक है? ए 1, ए 2, ए 3 एंड बी 1, बी 2, बी 3 लाइक दिस, ठीक है? हमने क्या किया है, ये मान लिया है। ओके,
उसके बाद आपको क्या बोला गया है, जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे थ्री डॉट्स लगा दीजिएगा, डिफरेंस है वो हंड्रेड टर्म में हंड्रेड है. ओके, इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास ए हंड्रेड दैट इज योर ए प्लस 99d एंड बी हंड्रेड दैट इज बी प्लस 99d, राइट, एंड ए हंड्रेड माइनस बी हंड्रेड गिवन टू यू एज अ हंड्रेड. ठीक है, ये आपको गिवन है, मैंने हंड्रेड टर्म निकाली, उनका डिफरेंस हंड्रेड के इक्वल रख दिया. आफ्टर दैट बोला गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स. अब ए 1000 देख लीजिए आपके पास क्या होगा, ए प्लस 999d एंड बी 1000 दैट इज बी प्लस 999d. ओके, राइट इट एज अ फर्स्ट इक्वेशन. ओके, वैल्यूज, पुट वैल्यूज इन फर्स्ट. ए 100 इज ए प्लस 99d माइनस बी 100 बी. अब मैं लगा रही हूं इसके अंदर माइनस, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो साइन हो जाएंगे चेंज, राइट. ए प्लस 99d माइनस बी माइनस 99d इज इक्वल्स टू 100, ये कैंसल, यहां से ए माइनस बी आपका आ गया 100. अब ये बात भी ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ इसलिए कैंसिल कर पा रहे हैं क्योंकि जो डी है दोनों के लिए सेम है. ओके, आफ्टर दैट ए 1000 माइनस बी 1000 दैट इज ए प्लस 999d. सिमिलरली बी माइनस 999d. मैंने यहां माइनस क्यों लगाया है, जैसे इसमें मैंने ब्रैकेट का यूज किया, आप डायरेक्टली ओपन करके लिख सकते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए माइनस बी. और आपको पता है ए माइनस बी आपका क्या है, 100, यानी कि दोनों ही केसेस में आपके पास जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम. ठीक है, हेंस लिख दीजिए द डिफरेंस विल बी सेम, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, 100 ही आया है वो भी आपके पास, राइट. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.